ज्योसा काउंसलिंग 2023 से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। इनकी वेबसाइट पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट से रिलेटेड एक लेटेस्ट नोटिस आया है। ये नोटिस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिए, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक है वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग में करते हैं, जिसके कारण उनकी सीट कैंसिल हो जाती है। और इसी कारण ज्योसा ने एक नोटिस जो है वो अभी अभी अपनी वेबसाइट पर पब्लिक किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। इसमें क्लियर कट मेंशन किया गया है कि जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपकी जो सीट वो कैंसिल हो जाएगी। यहां पे आप देख सकते हैं जोसा 2023, डियर कैंडिडेट प्लीज नोट दैट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ द सीट एक्सेप्टेंस फीस टू द जोसा। तो बहुत से बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देते हैं, क्वेरी जो बिलिंगनेस है वो सबमिट कर देते हैं, फ्रीज फ्लोट स्लाइड वाली, लेकिन फीस नहीं पे करते। उन्हें लगता है कि फीस हम तब पे करेंगे जब हमें सीट एक्सेप्ट करनी होगी। तो जब तक फीस नहीं जमा करेंगे तब तक आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएंगे। एकदम क्लियर कट यहाँ पे मेंशन किया गया है, जब आपकी फीस जमा हो जाएगी तभी आपके डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए हैं या फिर जो आप अपलोड करेंगे वो वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। दी ऑनलाइन रिपोर्टिंग फॉर फी पेमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड रिस्पॉन्ड बाय द कैंडिडेट टू क्वेरी फॉर राउंड वन विल बी क्लोज्ड ऑन July 4, 2023 5 PM। तो जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रोसेस है राउंड वन के लिए जिन्हें सीट मिला है, और जो क्वेरी वगैरह आएगी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अगर कोई आती है तो, या फिर वेरिफिकेशन के लिए सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट जो करना है उसके लिए जो टाइम है वो लास्ट डेट जो है वो 4 जुलाई शाम को 5 बजे है। 4 जुलाई को शाम 5 बजे के पहले ये प्रोसेस आप कंप्लीट करें। अदरवाइज यहाँ पे आगे क्या लिखा है, इफ़ यू विल नॉट एबल टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फी एंड अपलोड द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स बाय July 4, 2023 5 PM योर अलॉटेड सीट विल बी कैंसल्ड एंड यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर राउंड ऑफ जोसा 2023 काउंसलिंग। तो अगर आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट नहीं करते हैं 4 जुलाई के पहले शाम 5 बजे के पहले, फीस नहीं जमा करते, या फिर आप कोई भी एक्टिविटी अगर आपकी रह जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, जोसा से आप पूरी तरीके से हट जाएंगे। एकदम क्लियर कट यहाँ पे मेंशन किया गया है। देयरफॉर इट इज एडवाइज टू फॉलो दी टाइमलाइन स्ट्रिक्टली एंड प्रोवाइड दी सफिशियंट टाइम फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग सही करनी है, पहले आपको डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। जो 40,000 फीस है जो कि जर्नल EWS और OBC वाले बच्चों के लिए है, सीट एक्सेप्टेंस फीस जिसको SAFB बोलते हैं, एंड जो 20,000 है वो SC ST और OBC वाले बच्चों के लिए है सीट एक्सेप्टेंस फीस। तो आपको ये जमा करनी ही है, तभी आपका जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सीट कंफर्म होगी, अदरवाइज सीट कैंसिल हो जाएगी और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, इसके लिए जोसा ने ये नोटिस रिलीज किया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको अगर अपनी सीट से हाथ नहीं धोना है तो आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो जमा करनी होगी, सही डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और बिलिंगनेस सबमिट करनी होगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग तब कंप्लीट होगा और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, यानी जब आप ये सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह पे कर दोगे, तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। इसके बाद लगभग 24 आवर्स का टाइम लगता है और इसके बाद आपको जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक मैसेज आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या स्टेटस है। अगर कोई आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो वहाँ पे लिख के आएगा वेरीफाइड एंड सीट कन्फर्म। जब वेरीफाइड एंड सीट कन्फर्म लिख के आ जाएगा तो वहाँ पे एक लेटर आपको मिलेगा, सीट एक्सेप्टेंस लेटर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सीट एक्सेप्टेंस लेटर, वो डाउनलोड कर लीजिए, हो गया वेरिफिकेशन कंप्लीट। अगर कोई क्वेरी है तो उसका रिस्पॉन्ड कर दीजिए, ठीक। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ही जोसा ने ये नोटिस रिलीज किया है। दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो बच्चे चैनल पर न्यू हैं वो जरूर हमें सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको जोसा से रिलेटेड एक एक इंपॉर्टेंट अपडेट, हर एक नोटिस की इंफॉर्मेशन, हर एक लेटेस्ट अपडेट मिलेगी। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए। जोसा 2023 के लिए लेटेस्ट नोटिस अभी आया है जो कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग से रिलेटेड है, सीट एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। एम करते हैं कि 100 लाइक इस वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मैं चलता हूं। लाइक करिए, आप लोग अपना काम करिए, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।